आलंदी में रविवार को पालकी समारोह के दौरान वारकरियों पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर हुए लाठीचार्ज का पूरे राज्य भर में निषेध किया गया है। उसी श्रृंखला में आज महिला कांग्रेस की ओर से न्यास नुसरत अली के नेतृत्व में भजन गाकर शिंदे फडणवीस सरकार निषेध किया गया। आलंदी शहर में मंदिर की ओर जा रहे वारकरी भक्तों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामले पर अब राजनीति चरम पर है। इसी श्रृंखला में आज महिला कांग्रेस की ओर से रघुपति राघव भजन गाकर राज्य सरकार का निषेध कर नारेबाजी भी की गई। आज जो देश में हो रहा है वो सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में भी होगा। वारकरी समुदाय एक जो विठ्ठल की जो भावना लेकर के जो यात्रा चलती है, 300-400 साल से जो यात्रा चल रही है, उसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठियां बरसाना, मतलब महाराष्ट्र में जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश का हिंदू खतरे में है। जब देश में मुगल्स थे तब देश खतरे में नहीं था? हमने तो अंग्रेज़ों को खदेड़ के भगा दिया, तब हिंदू खतरे में नहीं था? आप गली से लेकर के आप दिल्ली तक है तो हिंदू खतरे में। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ, जो पुलिस ने इतना गंदा व्यवहार किया जो यात्रियों के ऊपर में, जो धर्म यात्री है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज महाराष्ट्र में तो कम से कम हिंदू खतरे में है। बिल्कुल हिंदू खतरे में है, क्योंकि आपने किसी के धर्म और उसकी भावनाओं को आपने पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की। बाद में आकर के आप बता रहे कि नहीं वो ऐसा नहीं हुआ था, वैसा वीडियोज़ है, बूढ़े बूढ़े लोगों को मारा गया है, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताइए ना, इसका क्या मतलब होता है? देश में आज ये साबित कर दिया है कि जो वो कहते कि हिंदू खतरे में है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हिंदू खतरे में। आप लोग सहमत है सब? NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।